फ्रेंड्स, भारत में पहली बार फिल्म कब दिखाई गई, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, 7 जुलाई 1896 को, आज से लगभग 126 साल पहले भारत में पहली बार फिल्म दिखाई गई थी। 1 रुपये के टिकट से लूमियर ब्रदर्स ने लगभग 200 भारतीयों को मुंबई के वॉटसन होटल में फिल्म दिखाई थी। भारत में फिल्म 1896 में आई, लेकिन दुनिया भर में फिल्म बननी 1888 से ही शुरू हो गई थी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी थी और कई लोगों की कड़ी मेहनत भी लगी थी। लेकिन आज दुनिया भर में 167 फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, जिनसे सालाना 1,68,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। लेकिन ये आंकड़ा तो कोरोना काल के बाद 2021 का है, लेकिन 2019 में ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री रेवेन्यू ने इससे 3 गुना 3,33,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फ्रेंड्स, मोशन पिक्चर का इनोवेशन कब और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, 1878 में यूके के वैज्ञानिक एडवियर्ड मुइब्रिज देखना चाहते थे कि दौड़ते समय घोड़े के चारों पैर हवा में होते हैं या नहीं। इसके लिए 40 फोटोग्राफी कैमरा लगाकर दौड़ते घोड़े की तस्वीर ली गई, जिस पर यह साबित हुआ कि दौड़ते समय घोड़े के चारों पैर हवा में होते हैं। जब 40 कैमरों की फोटो को एक साथ देखा गया तो समझ आया कि मोशन पिक्चर भी संभव है, और यहीं से वीडियो यानी कि मोशन पिक्चर की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, मोशन फिल्म का आविष्कार कब और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, 14 अक्टूबर 1888 को दुनिया की पहली मोशन फिल्म शूट की गई थी, जो लगभग 2.11 सेकंड की थी, जिसका नाम राउंडटे गार्डन सीन था। 1890 में लुइस मैनहट्टन में अपने इस फिल्म को दिखाना चाहते थे, लेकिन 16 सितंबर को लुइस अचानक ही गायब हो गए और फिर कभी दुनिया के सामने ही नहीं आए। फ्रेंड्स, दुनिया की पहली फिल्म की स्क्रीनिंग कब और कैसे की गई, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, लूमियर ब्रदर्स ने पेरिस में जब चलती ट्रेन से वीडियो स्क्रीनिंग की तो इसे देखकर लोग डर गए। उन्हें लगा कि ट्रेन स्क्रीन से बाहर आ जाएगी, लेकिन फिर भी लूमियर ब्रदर्स ने ऐसी कई 10 वीडियो बनाई और दुनिया भर में लोगों को दिखाते रहे। फिर जादूगर जॉर्ज मैलिस ने लूमियर ब्रदर्स से मुँह मांगी कीमत पर कैमरा खरीदा, और 1895 में दुनिया की पहली फिल्म की स्क्रीनिंग द अराइवल ऑफ द ट्रेन बनाई। फ्रेंड्स, पहली बार साउंड के साथ फिल्म का एग्जीबिशन कब और कहां हुआ, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, 1900 में पहली बार साउंड के साथ फिल्म का एग्जीबिशन पेरिस में हुआ था। 1910 में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए में फिल्म बननी शुरू हुई, और फिर 1920 में साउंड रिकॉर्डिंग का आविष्कार हुआ, और इसके बाद 6 अक्टूबर 1927 को यूएसए में पहली बार साउंड के साथ फिल्म द जैज सिंगर रिलीज हुई। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।